अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो कि देर आर टू मैट्रिसेस ए एंड बी। ए का ऑर्डर है m बाई एन और बी का ऑर्डर है p बाई क्यू। ठीक है, तो मान लो कि देर आर टू मैट्रिसेस। पहला मैट्रिक्स ए है और ए है ए आई जे एम बाई एन। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है बी। बी है बी आई जे पी बाई क्यू। ठीक है, तो हम लोगों के पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी। ए का ऑर्डर है एम बाई एन और बी का ऑर्डर है पी बाई क्यू। और सपोज हमें ए बी चाहिए, सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन ए बी। तो ए बी के लिए मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। इसे फॉर ए बी टू बी डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज बराबर हो जाए, तब उस केस में ए बी डिफाइंड होगा। ठीक है, तो फॉर ए बी टू बी डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है एन और बी में नंबर ऑफ रोज कितना है पी। तो हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि एन इज इक्वल टू पी। मतलब ए बी को डिफाइन होने के लिए एन पी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया तो ए बी एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर होगा m बाई क्यू। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा m बाई क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का नंबर ऑफ रोज m होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा q। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर ए बी डिफाइंड है तो मैट्रिक्स ए बी का नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए और ए बी का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, फिर से मान लो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है एम बाई एन और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है पी बाई क्यू और ए बी डिफाइंड है। तो ए बी तभी डिफाइंड होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। और अगर ए बी डिफाइंड हुआ तो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो होगा m बाई क्यू के बराबर। मतलब ए बी में नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होगा, तो नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और ए बी में नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर होगा, तो कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। लेकिन ए बी डिफाइंड होने के लिए कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स डैट इज ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स डैट इज ऑफ बी। ये ए बी के लिए था। उसी तरह से अगर बी ए डिफाइंड होना है, बी ए डिफाइंड होना है, तब उसके लिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। ठीक है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं फॉर बी ए टू बी डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स
इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, मतलब बी का नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। तो बी में नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है क्यू, और ए में नंबर ऑफ रोज कितना है एम, तो हम बोल सकते हैं कि क्यू इक्वल टू एम। और इस केस में ऑर्डर ऑफ बी ए क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ बी ए के पहले बी ए में नंबर ऑफ रोज कितना होना चाहिए, तो नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, तो बी ए में पहला मैट्रिक्स कौन है बी, तो बी का नंबर ऑफ रोज क्या है पी, और बी ए का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होना चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स डैट इज ऑफ ए, तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है एन, तो हम बोल सकते हैं कि बी ए का जो ऑर्डर होगा वो होगा पी बाई एन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ बी ए क्या होगा पी बाई एन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया जाए, ठीक है, ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। तो मान लो कि ए एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 3/2। मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है 2, 1, 1, 0, 0, -1। एक दूसरा मैट्रिक्स बी है, बी का ऑर्डर है 2/3 और कुछ इस तरह से है 1, 0, 1, 0, -1, 2। ठीक है, तो ए का ऑर्डर है 3/2 और बी का ऑर्डर है 2/3। पहले हमें ए बी बताना है, ए बी, ठीक है, तो पहले देखा जाए कि ए बी डिफाइंड है कि नहीं। ए बी बताने के लिए ए बी डिफाइंड होना चाहिए। तो ए का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 2 और बी का नंबर ऑफ रोज कितना है 2। तो ए का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी डिफाइंड है। और अगर ए बी डिफाइंड हो जाए तो जो पहले होता है उसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर, और जो बाद में होता है उसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। ठीक है, अब ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। ठीक है, ए बी का ऑर्डर क्या होगा 3/3। अब देखो ए का नंबर ऑफ रोज कितना है 3 और बी का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, तो ए बी में नंबर ऑफ रोज कितना होगा 3 और ए बी में नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा 3, तो इससे ए बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए 3/3। ठीक है, तो पहला काम क्या हुआ, पहला काम ये हुआ कि हम लोग देख लिए कि ए बी डिफाइंड है कि नहीं, तो ए बी डिफाइंड है। फिर दूसरा काम क्या है कि ए बी का ऑर्डर पता कर लो। अब तीसरा काम ये है कि ए बी का फ्रेम तैयार कर लो, फ्रेम मतलब A11, A12, A13 ऐसे करके। तो ए बी का ऑर्डर 3/3 है तो उसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, तो ए बी का ऑर्डर 3/3 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ए बी को हम ऐसे लिख दिए, ये ए बी का फ्रेम तैयार हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज A11, A12, A13 एंड सो ऑन। तो देखो रूल ये होता है कि अगर A11 चाहिए तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लो, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो। पहले A11, तो A11 में फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लो, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर लो, मतलब 2 × 1 करो और 1 × 0 करो, तो 2 × 1 + 1 × 0, 2 × 1 + 1 × 0, तो 2 × 1 कितना होगा 2 और 1 × 0 क्या होगा 0, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा 2। ये मिला A11। ठीक है,
फिर ए वन टू निकाला जाए। ए वन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। तो ए वन टू के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। तो टू इंटू जीरो प्लस वन इंटू माइनस वन, तो टू इंटू जीरो प्लस वन इंटू माइनस वन, तो अल्टीमेटली क्या मिला माइनस वन, क्योंकि टू इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा और वन इंटू माइनस वन क्या होगा माइनस वन। तो ए वन टू हो गया माइनस वन। अब ए वन थ्री, ए वन थ्री का मतलब हुआ फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करो। तो टू इंटू वन प्लस वन इंटू टू, तो टू इंटू वन प्लस वन इंटू टू, तो टू प्लस टू कितना हो गया फोर। तो ये कंप्लीट हो गया। अब ए टू वन, ए टू वन के लिए क्या करना है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो लेना है और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है। फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो वन इंटू वन वन और जीरो इंटू जीरो ज़ीरो, वन प्लस जीरो वन। अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अब तो समझ गए तुम लोग, ठीक है। इसके बाद ए टू टू, ए टू टू के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। तो वन इंटू जीरो क्या हुआ जीरो, और जीरो इंटू माइनस वन क्या हुआ जीरो, और जीरो प्लस जीरो जीरो, ठीक है। अब ए टू थ्री में फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो वन इंटू वन वन और जीरो इंटू टू ज़ीरो, तो वन प्लस जीरो कितना हो गया वन। तो ए टू थ्री इज वन। इसके बाद ए थ्री वन, ए थ्री वन में फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो जीरो इंटू वन ज़ीरो, माइनस वन इंटू जीरो ज़ीरो, जीरो प्लस जीरो ज़ीरो। तो ए थ्री वन इज ज़ीरो। फिर ए थ्री टू, तो ए थ्री थ्री में क्या करना है, तो ए थ्री टू में फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो जीरो इंटू जीरो ज़ीरो, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, जीरो प्लस वन इज वन। फिर लास्ट में ए थ्री थ्री, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, ठीक है। तो जीरो इंटू वन ज़ीरो, माइनस वन इंटू टू माइनस टू, तो जीरो माइनस टू कितना मिलेगा माइनस टू। तो सारा एलिमेंट्स आ गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इन जनरल अगर ए आई जे निकालना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का आई एथ रो और सेकेंड मैट्रिक्स का जे एथ कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो। फिर से अगर ए आई जे निकालना है तो क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का मतलब कि प्री मल्टीप्लायर का आई एथ रो को पोस्ट मल्टीप्लायर मतलब कि सेकेंड मैट्रिक्स के जे एथ कॉलम से मल्टीप्लाई करो फिर ऐड कर दो, ठीक है। जैसे अगर ए थ्री टू चाहिए तो ए थ्री टू के लिए क्या करोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो। सिमिलरली अगर ए टू वन चाहिए तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो। तो वो फुल्ली समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ए बी को लिख देते हैं। तो ए वन वन क्या मिला था, ए वन वन इज टू, ए वन वन टू हो गया। ए वन टू क्या मिला माइनस वन, ए वन टू इज माइनस वन। ए वन थ्री मिला फोर।
फिर A21 वन है, A22 जीरो, A23 वन, A31 जीरो, A32 वन, A32, A33 माइनस टू। तो ये भी एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन में तुमसे बोल दिया कि कैलकुलेट बी ए, ठीक है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या बी ए डिफाइंड है। बी ए का मतलब ये हुआ कि बी प्री मल्टीप्लायर है और ए क्या है, पोस्ट मल्टीप्लायर। सबसे पहले ये देखना है कि क्या बी ए डिफाइंड है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स बी है, सेकेंड मैट्रिक्स ए है। बी का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, तो बी का नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। और ए का नंबर ऑफ रोज कितना है, तो ए का नंबर ऑफ रोज भी 3 है। तो बी का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू ए का नंबर ऑफ रोज, बोथ आर इक्वल टू 3। तो हम बोलेंगे कि बी ए डिफाइंड है, ठीक है। मतलब बी प्री मल्टीप्लायर हो गया और ए क्या हो गया, पोस्ट मल्टीप्लायर। तो अगर बी ए डिफाइंड हुआ तो बी ए का ऑर्डर क्या होगा, बी ए का ऑर्डर क्या होगा। तो बी ए का ऑर्डर में प्री मल्टीप्लायर बी है, बी का नंबर ऑफ रोज कितना है, तो बी का नंबर ऑफ रोज है 2। और पोस्ट मल्टीप्लायर है ए, ए का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 2। तो बी का नंबर ऑफ रोज है 2 और ए का नंबर ऑफ कॉलम्स है 2। तो इसलिए बी ए का ऑर्डर होगा 2x2, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि बी ए डिफाइंड है और बी ए का ऑर्डर क्या हो गया, 2x2। तो बी ए का ऑर्डर तो श्योर हो गया कि 2x2 है। तो बी ए में एलिमेंट्स का फॉर्म क्या क्या होगा, तो होगा A11, A12, A21, A22, ठीक है। अब हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज A11, व्हाट इज A12, व्हाट इज A21, व्हाट इज A22, ठीक है। तो पहले A11, तो A11 में B का फर्स्ट रो और A का फर्स्ट कॉलम। तो पहले B का फर्स्ट रो और A का फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो 1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × 0। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग तेज हैं। तो 1 × 2 2 ही होगा और ये दोनों तो 0 होगा, तो अल्टीमेटली क्या मिला, 2 मिला, ठीक। इसके बाद है A12 में फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब बी का, मतलब प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो क्या होगा, 1 × 1 1, 0 × 0 0, 1 × −1 −1, मतलब कि 1 0 −1, तो 1 − 1 हो गया, जो कि क्या मिलेगा, 0। तो A12 मिला 0, ठीक है। इसके बाद A21 के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स अब बी है, तो बी का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। तो 0 × 2 0, −1 × 1 −1, 2 × 0 0, तो अल्टीमेटली क्या मिला, −1। फिर A22 के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 0 × 1 0, −1 × 0 0, 2 × −1 −2, तो अल्टीमेटली क्या मिला, −2। तो ये मिल गया बी ए। अब देखो इस क्वेश्चन में ए बी डिफाइंड था, बी ए भी डिफाइंड था। ऐसा बहुत जगह मिल सकता है जहाँ पे ए बी डिफाइंड हो लेकिन बी ए डिफाइंड नहीं हो, या वैसे वैसा, बी ए डिफाइंड हो ए बी डिफाइंड नहीं हो।
ऐसा भी हो सकता है कि बी और ए बी में कोई डिफाइंड नहीं हो, और ऐसा भी मिल सकता है कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो, लेकिन ए बी और बी ए कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, लेकिन ए बी एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और बी ए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इन जनरल कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, तो इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। और हम लोग ये सीख लिए कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड है तो सबसे पहले उसका ऑर्डर डिसाइड कर लो, ऑर्डर डिसाइड करने के बाद में उसका फ्रेम तैयार कर लो, और फ्रेम तैयार करने के बाद में अगर तुम्हें ए आई जे निकालना है, ए आई जे निकालना है, तो प्री मल्टीप्लायर का आई एथ रू और पोस्ट मल्टीप्लायर के जे एथ कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, उससे क्या मिल जाएगा, ए आई जे। ठीक है, तो होपफुली क्लियर हो गया। अब डेफिनेशन पे आते हैं। मान लो कि दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, ए का ऑर्डर है एम बाई एन और बी का ऑर्डर है पी बाई क्यू। तो हम बोलेंगे कि ए बी डिफाइंड है अगर ए का नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज हो जाए, मतलब एन इक्वल टू पी हो जाए। तो अगर एन इक्वल टू पी हो गया, मतलब ए का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज, तब हम बोलेंगे कि ए बी डिफाइंड है। अगर ऐसा हुआ तो ए बी का नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ प्री मल्टीप्लायर विच इज एम, और ए बी का नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर। मतलब ए बी का नंबर ऑफ रोज एम होगा और कॉलम्स क्या होगा, क्यू होगा। मतलब ए बी का ऑर्डर क्या होगा, एम बाई क्यू। ठीक है, अब मान लो कि ए बी एक मैट्रिक्स है जिसका फॉर्म है सी आई जे और ऑर्डर क्या है, एम बाई क्यू। तो क्वेश्चन ये है कि वॉट इज सी आई जे, तो सी आई जे क्या होगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब ए का आई एथ रो और सेकेंड मैट्रिक्स बी का जे एथ कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो। ठीक है, इस चीज़ को हम समेशन के फॉर्म लिख सकते हैं, समेशन ए आई के इंटू बी के जे। अब ए आई के का मतलब क्या हुआ, ए आई के का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ए का आई एथ रो का एलिमेंट्स, आई एथ रो का एलिमेंट्स, और बी के जे का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स बी का जे एथ कॉलम्स का एलिमेंट, और यहाँ के क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जैसे अगर इधर ए आई वन ले रहे हैं तो इधर लेना है बी वन जे, अगर इधर ले रहे हैं ए आई टू तो इधर लेना है बी टू जे, इधर ले रहे हैं ए आई थ्री तो इधर लेना है बी थ्री जे। ठीक है, मतलब के अगर वन है तो दोनों जगह वन है, के अगर टू है तो दोनों जगह टू है, के अगर थ्री है तो दोनों जगह थ्री है। ठीक है, ये बता क्या रहा है, ये यही बता रहा है कि मैट्रिक्स ए का आई एथ रो और मैट्रिक्स बी का जे एथ कॉलम के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट को अगर ऐड कर दें तो उससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, सी आई जे, मतलब ए बी का आई एथ रो और जे एथ कॉलम वाला एलिमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। देखा जाए तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए बी डिफाइंड है तो कोई ज़रूरी नहीं है बी ए डिफाइंड होगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए बी डिफाइंड है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बी ए डिफाइंड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस कि इफ ए बी इज डिफाइंड, इट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई कि बी ए इज डिफाइंड। मतलब अगर ए बी डिफाइंड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड होगा, बी ए डिफाइंड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसको और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक मैट्रिक्स ए है, ए का ऑर्डर है 2x3 और एक मैट्रिक्स बी है, बी का ऑर्डर है 3x3। तो यहाँ देखो, ए का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू बी का नंबर ऑफ रोज, बोथ आर इक्वल टू 3, तो ए बी डिफाइंड है। लेकिन बी ए के बारे में बात करें तो बी का नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और ए का नंबर ऑफ रोज 2 है, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो दोनों इक्वल नहीं है तो बी ए इज नॉट डिफाइंड। तो ए बी डिफाइंड है लेकिन बी ए डिफाइंड नहीं हुआ।
इसके बाद सेकेंड, सेकेंड में मान लो कि ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसमें यही तो था, ए बी का ऑर्डर था 3/3 और बी ए का ऑर्डर था 2/2, तो ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड था लेकिन दोनों इक्वल नहीं था। ठीक है, तो इफ़ ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, देन इट डज नॉट इम्प्लाई ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, अगर ए बी बी ए दोनों डिफाइंड है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा। ठीक है, थर्ड, अगर किसी तरह से ए बी इक्वल टू बी ए हो गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ए एंड बी कॉम्यूट, देन ए एंड बी कॉम्यूट। ठीक है, कि मान लो कि ए बी इक्वल टू बी ए हो गया, तब हम बोलेंगे कि ए एंड बी कम्यूट। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा, लेकिन इन केस अगर ए बी इक्वल टू बी ए हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ए बी कम्यूट कर रहा है। नंबर फोर, मान लो कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है एम बाई एन और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है पी बाई क्यू, तो ए बी होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ए बी होने के लिए एन इक्वल टू पी होगा और जिसका जो ऑर्डर होगा वो होगा एम बाई क्यू। और बी ए होने के लिए क्या होना चाहिए, बी ए होने के लिए होना चाहिए क्यू इक्वल टू एम और ऑर्डर क्या होगा, पी बाई एम। तो अगर ए बी और बी ए दोनों होना है, ए बी और बी ए दोनों होना है, तो हम बोल सकते हैं पी एन के बराबर है और क्यू एम के बराबर है। तो ए बी और बी ए दोनों होना है तो जो बी होना चाहिए उसमें पी एन के बराबर होना चाहिए और क्यू एम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, कब बोथ आर डिफाइंड, व्हेन ऑर्डर ऑफ ए बी इज एम बाई एन, देन ऑर्डर ऑफ बी ए इज एन बाई एम। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स दिया रहे और ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, तो अगर ए का ऑर्डर एम बाई एन होगा तो बी का ऑर्डर क्या होगा, एन बाई एम। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मान लो कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम बाई एन और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अगर ए आई निकालना है, ए आई निकालना है, तो ए आई के लिए ए का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू आई का नंबर ऑफ रोज होना चाहिए, मतलब आई में नंबर ऑफ रोज कितना होना चाहिए, एन, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो हम बोल सकते हैं कि आई में नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों कितना होगा, एन होगा। तो ए आई डिफाइन होने के लिए आई का ऑर्डर एन होना चाहिए। तो अगर ए आई डिफाइन होना है, ठीक है, तो आई का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। सिमिलरली अगर आई ए डिफाइन होना है, आई ए डिफाइन होना है, तो आई का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू ए का नंबर ऑफ रोज होना चाहिए। तो आई का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है वो तो पता ही नहीं है, लेकिन ए का नंबर ऑफ रोज पता है, ए का नंबर ऑफ रोज कितना है, एम है, तो इसलिए आई का नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो आई तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो अगर आई का नंबर ऑफ कॉलम एम है तो उसका नंबर ऑफ रोज भी क्या होगा, एम होगा, मतलब कि आई का ऑर्डर एम होगा। तो अगर आई का ऑर्डर एम हो जाए तो आई इंटू ए डिफाइन होगा, मतलब आई इंटू ए होने के लिए आई का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, और इस केस में आई एम इंटू ए होगा। ठीक है, और अगर ए इंटू आई कर दें, मतलब ए इंटू आई एन अगर कर दें, तो उससे मैट्रिक्स ए ही मिलेगा, ए इंटू आई एन क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और अगर आई इंटू ए कर दें, मतलब कि आई एम इंटू ए कर दें, तो उससे भी मैट्रिक्स ए ही मिलेगा।
ठीक है, तो a इंटू आई ए होगा और i इंटू ए भी क्या होगा, a होगा, प्रोवाइडेड a एंड i आर कन्फर्मेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो i को हम बोल सकते हैं एक तरह से मैट्रिक्स का वन है, i क्या है, मैट्रिक्स का वन है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि i क्या है, मैट्रिक्स का वन है। जैसे वन इंटू टू करो क्या मिलेगा, टू, टू इंटू वन करो तो क्या मिलेगा, टू। लेकिन ऐसा नहीं है कि a को किसी भी i के साथ मल्टीप्लाई कर दें, केयरफुल होके, अगर a का ऑर्डर m बाई n है तो a को आई एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब a मिलेगा, और आई एम को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब a मिलेगा। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर अलग अलग चीज़ होते हैं, तो अगर a प्री मल्टीप्लायर है तो पोस्ट मल्टीप्लायर होना चाहिए आई एन, और अगर a पोस्ट मल्टीप्लायर है, अगर a पोस्ट मल्टीप्लायर है तो आई एम होना चाहिए प्री मल्टीप्लायर। दोनों केसेस में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो होपफुली क्लियर है। तो अगर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कन्फर्मेबल है, अगर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कन्फर्मेबल है, मतलब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड है, तब उस केस में a इंटू आई इक्वल टू a, सिमिलरली i इंटू a इक्वल टू a, लेकिन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, आई एन इंटू आई एन कर दो, इन जनरल आई ही लिख दो, अगर आई इंटू आई कर लो तो दिस इज रिटन एज आई स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू आई, अगर आई क्यूब कर लो तो दिस इज आई, आई का पावर एन कर दो तो क्या मिलेगा, आई, जहाँ एन कोई नेचुरल नंबर है, एन क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। तो सिंपल आई को तुम सोच सकते हो वन जैसा, तो वन का स्क्वायर क्या होता है, वन, वन का क्यूब क्या होता है, वन, वन का पावर एन क्या होता है, वन। तो उसी तरह से आई का कोई भी पावर, लेकिन पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो क्या मिलेगा, आई ही मिलेगा। ठीक है, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए डिफाइंड होगा। तो मान लो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो a इंटू ए डिफाइंड होगा और उसका भी ऑर्डर n ही होगा। ठीक है, तो नंबर सेवन, इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोई भी ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर n मान लो, देन a इंटू ए इज नोन एज ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सिमिलरली ए क्यूब लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए, इसको ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हो, ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों जगह से ए क्यूब ही मिलेगा, और ए क्यूब का भी ऑर्डर होगा n, ए क्यू का भी ऑर्डर क्या होगा, n ही होगा। इन जनरल अगर a का पावर n प्लस वन है तो इसको लिख सकते हो a का पावर n इंटू ए। ठीक है, तो a का पावर n प्लस वन को लिख सकते हो a का पावर n इंटू ए, यहाँ n कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मान लो k कोई स्केलर है और k इंटू ए भी है, ए भी डिफाइंड है, ए और बी मैट्रिक्स है, ए भी डिफाइंड है, तो इसको चाहो तो तुम ऐसा भी सकते हो ए इंटू के बी, इसको चाहो तो ऐसा भी सकते हो के इंटू बी, तो के इंटू ए बी इक्वल टू ए इंटू के बी इक्वल टू के ए इंटू बी। ठीक है, के क्या है, स्केलर है, और ए और बी क्या है, मैट्रिक्स है। नंबर थ्री, मान लो कि ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस, ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस, और बी सी डिफाइंड है, और बी सी से जो आ रहा है उसका प्रोडक्ट ए के साथ डिफाइंड है। अगर ऐसा हो जाए तो ए और ब्रैकेट में बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी का ब्रैकेट में इंटू सी,
ठीक है, एसोसिएटिव लॉ डिफाइंड है प्रोवाइडेड प्रोडक्ट डिफाइंड हो, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कन्फर्मेबल होना चाहिए, तब जाके ऐसा हो सकता है। मतलब ए इंटू ब्रैकेट में बी सी इक्वल टू ब्रैकेट में ए बी इंटू सी, ये कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ है, लेकिन डिफाइंड होना चाहिए तब, ऐसे नहीं। नंबर 10, मैट्रिक्स ए इंटू बी प्लस सी कैन बी रिटेन एज ए बी प्लस ए सी, ये कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन ध्यान दो, पहला चीज़ ये है कि बी और सी दोनों कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होना चाहिए, उसके बाद बी प्लस सी जो मिला वो ए के साथ प्रोडक्ट के लिए कन्फर्मेबल होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ए को बोलेंगे प्री मल्टीप्लायर, और इसको हम लोग क्या लिखें? ए बी प्लस ए सी। यहाँ पर ध्यान दो, ए बी प्लस ए सी लिखे हैं, इस ए बी को बी ए नहीं लिख सकते हो और इस ए सी को सी ए नहीं लिख सकते हो, मतलब इधर भी प्री मल्टीप्लायर ए ही होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा हो जाए, ए प्लस बी इंटू सी हो जाए, ए बी सी मैट्रिसेस है, तो इसको लिखेंगे ए सी प्लस बी सी। इस बार सी पोस्ट मल्टीप्लायर है तो इधर भी सी पोस्ट मल्टीप्लायर ही है, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू सी इज ए सी प्लस बी सी, प्रोवाइडेड यहाँ पे सम डिफाइंड होना चाहिए और फिर प्रोडक्ट डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, मान लो ए एक मैट्रिक्स है और ये है जीरो मैट्रिक्स और प्रोडक्ट डिफाइंड है, तब दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा, मतलब जीरो मैट्रिक्स होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स। सिमिलरली जीरो मैट्रिक्स इंटू कोई भी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स इंटू कोई भी मैट्रिक्स, प्रोवाइडेड मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड होना चाहिए, तो क्या मिलेगा? जीरो मैट्रिक्स। तो ए इंटू जीरो मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स इंटू ए इज जीरो मैट्रिक्स, प्रोवाइडेड कि प्रोडक्ट डिफाइंड है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं होगा तो ऐसा नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो जो भी लॉ लिखे हैं ये तभी होगा जब प्रोडक्ट डिफाइंड होगा या यहाँ पे सम डिफाइंड होगा, ठीक है। तो होपफुली क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मान लो देर आर टू डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, जैसे मान लो ए और बी दो डायगोनल मैट्रिसेस हैं और दोनों का ऑर्डर एन है, मैट्रिक्स ए इज डायगोनल मैट्रिक्स और उसका डायगोनल एलिमेंट्स है ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री डॉट 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 ए एन एन, लास्ट एन एन तक गया है, मतलब कि इसका ऑर्डर क्या है? एन है। उसी तरह से बी एक दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स है और इसका एलिमेंट्स है और इसका डायगोनल एलिमेंट्स है बी वन वन बी टू टू बी थ्री थ्री डॉट 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 बी एन एन, इसका लास्ट एलिमेंट है बी एन एन, मतलब लास्ट एन तक गया है, तो इसका भी ऑर्डर क्या है? एन है। अब अगर पूछ दे कि वॉट इज ए बी, वॉट इज मैट्रिक्स ए बी, तो ऐसा पाया गया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट आइदर ए बी और बी ए बोथ आर डायगोनल मैट्रिसेस और उनका डायगोनल एलिमेंट्स होगा ए वन वन इंटू बी वन वन, ए टू टू इंटू बी टू टू, ए थ्री थ्री इंटू बी थ्री थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ए बी या बी ए कोई भी इज गिवन बाय डायगोनल ए वन वन इंटू बी वन वन, ए टू टू इंटू बी टू टू डॉट 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 ए एन एन इंटू बी एन एन, ठीक है। अब बोलोगे कि सर ऐसे आप बोल दे रहे हैं तो कैसे मान लें? चलो एक छोटा सा एग्जांपल देके इसको क्लियर करते हैं। मान लो दो डायगोनल मैट्रिसेस है ऑफ ऑर्डर टू, उसमें से पहला डायगोनल मैट्रिक्स है ए, ए का एलिमेंट्स है ए जीरो जीरो बी, और एक दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स है बी, बी का एलिमेंट्स है सी जीरो जीरो डी, और हम लोग इंटरेस्टेड हो गए ए बी में, तो ए का ऑर्डर टू है बी का भी ऑर्डर टू है, तो दोनों का प्रोडक्ट का ऑर्डर भी क्या होगा? टू ही होगा।
तो फॉर्म होगा A11, A12, A21, A22। तो पहले A11, A11 मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो A इंटू सी और 0 इंटू 0, तो क्या मिला AC। फिर A12 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम, तो A इंटू 0 0 0 इंटू D 0। तो A12 क्या हो गया 0। फिर A21, तो A21 के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू C 0 और B इंटू 0 0। तो यहाँ 0 आ गया। फिर A22, तो A22 के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 0 0 और B इंटू D BD। तो क्या मिला BD। अब देखो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 है और डायगोनल एलिमेंट्स में AC और BD है, मतलब जो मैट्रिक्स मिला वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 है। अब यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स देखो क्या क्या है। तो पहला डायगोनल एलिमेंट AC है जो कि दोनों का फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है, और दूसरा डायगोनल एलिमेंट है BD जो कि दोनों का सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑर्डर के लिए हम बताएं, उस तरह से थर्ड ऑर्डर के भी हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर के लिए भी हो सकता है, और जनरलाइज कर दें तो nth ऑर्डर के लिए भी, ठीक है। तो अगर दो डायगोनल मैट्रिसेस हों ऑफ सेम ऑर्डर तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और उसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा दोनों के करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस, तो फाइंड ए क्यूब, ठीक है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ए क्यूब बताना है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर बताओ। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए क्या होगा 2003 इंटू 2003, ठीक है। अब ए डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा। तो पहला डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा 2 2 जा 4, और दूसरा डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा 3 3 जा 9, और बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेगा 0। तो ये मिल गया ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ए क्यूब को लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू ए, या फिर ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हो और ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिया, ए स्क्वायर का एलिमेंट है 4 0 0 9, और ए का एलिमेंट क्या है 2 0 0 3, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स 4 2 जा 8 और 9 3 जा 27, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0, तो दिस इज ए क्यूब, ठीक है। वैसे अगर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया रहे और ए क्यूब मांगे तो डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट्स का क्यूब कर दो, ठीक है। तो देखो अगर ए पता है और ए क्यूब चाहिए तो डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट्स का क्यूब ले लो, तो डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट्स का क्यूब ले लो, मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा और 3 का क्यूब हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 ही रहेगा, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 0 0, 3 का क्यूब कितना होगा 27, सेम आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स ए दिया हुआ रहे और ए का पावर एन बताना हो तो ए का पावर एन के लिए जो डायगोनल एलिमेंट्स है सबका पावर एन कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। मान लो ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो तुम लोग जानते होगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्यूब होता है 1, ठीक है, ये ऐसा होता है। तो मान लो ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और हम लोगों को पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है,
और ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट्स है ओमेगा ज़ीरो ज़ीरो ओमेगा स्क्वायर। तो बताना है कि ए रेज़ टू पावर ऑफ 81 क्या होगा, ए रेज़ टू पावर ऑफ 81 क्या होगा। तो क्या करेंगे, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका पावर 81 हो जाएगा, तो ओमेगा का पावर 81 ज़ीरो ज़ीरो और ओमेगा स्क्वायर का पावर 81। ठीक है, तो ओमेगा का पावर 81 को लिख सकते हैं ओमेगा का पावर 3 का पावर 27 ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पे 2 और 81 है, तो 81 पहले लिख दो 2 बाद में लिख दो, तो 81 को क्या लिखोगे 3 का पावर 27 और 2 भी है। ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया, यहाँ भी ओमेगा क्यूब 1 हो गया, और 1 का पावर कुछ भी 1, तो अल्टीमेटली क्या मिला 1001। इसका मतलब ये हुआ कि ए का पावर 81 इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ए का पावर 81 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, बारिश हो रही है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को हम लोग ए रेज टू पावर ऑफ माइनस 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो दिस इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका प्रॉपर्टी इस तरह से होता है कि अगर ए इंटू ए इनवर्स ले लो तो आई होता है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इंटू ए इनवर्स ले लें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आई, वेयर आई इज व्हाट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए रेज टू पावर ऑफ ज़ीरो इक्वल टू आई, यहाँ देखो 1 है और माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, तो इस चीज़ को बोल सकते हैं ए का पावर 0 इक्वल टू आई, ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए का पावर 0 इज आई, आई को बोल सकते हैं मैट्रिक्स का 1, तो ए का पावर 0 इज आई। लेकिन मैट्रिक्स ए नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, मैट्रिक्स ए नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स ए शुड नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का पावर 0 इक्वल टू आई, आई मतलब रफली हम बोल सकते हैं कि वो मैट्रिक्स का 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए का पावर 0 इज आई, वेयर आई इज व्हाट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो इसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, आइडिया क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि इफ़ ए इक्वल टू 3x01 बी इक्वल टू 9x16 माइनस वाई, फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू बी। तो इस क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई बताना है, अगर दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी है। ठीक है, तो पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए, तो ए है 3x01, फिर ए क्या है 3x01। मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x2, तो ए स्क्वायर भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसका भी ऑर्डर क्या होगा 2x2। ठीक है, तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का फॉर्म क्या होगा, a11 a12 a21 a22। तो पहले a11 a11 के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 3x3 9, x x 0 0, तो क्या मिला 9। फिर a12, तो a12 के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 3x x इंटू 1, तो 3x 3x x इंटू 1 x, तो 3x प्लस x कितना मिला 4x। ठीक है, इसके बाद a21,
ए टू वन के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रू और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रू, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 0 × 3 0, 1 × 0 0, 0 + 0 0, फिर ए टू टू के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रू और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 0 × x 0, 1 × 1 1, 0 + 1 1, तो ए स्क्वायर मिल गया 9 4x 0 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू बी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ए स्क्वायर क्या मिला 9 4x 0 1, 9 4x 0 1, और मैट्रिक्स बी क्या है, तो मैट्रिक्स बी है 9 16 0 - y, तो 9 16 0 - y - y। अब अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए, तो 9 = 9 जो कि है 4x = 16, 0 = 0 और 1 = -y, या फिर बोलो -y = 1, तो 4x = 16 मतलब x इक्वल टू कितना होगा 16/4 मतलब कि 4, और -y = 1 तो y क्या होगा -1, तो दिस इज आवर आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था इसमें, बस जो बोला था वो करते जाओ अपने आप आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है सॉल्व फॉर x एंड y इफ, इधर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, पहला मैट्रिक्स में -2 0 3 1, दूसरा मैट्रिक्स में -1 2x, प्लस 3 × एक मैट्रिक्स है -2 1 इक्वल टू 2 × एक मैट्रिक्स है y 3। तो बोल सकते हो एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है और इसको सॉल्व करके x और y के वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो पहले इस पर फोकस करते हैं। इस पर पहले ध्यान दो, फर्स्ट मैट्रिक्स का मतलब कि प्री मल्टीप्लायर का ऑर्डर क्या है 2/2, और पोस्ट मल्टीप्लायर का ऑर्डर क्या है 2/1। ठीक है, तो इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/1, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो डिफाइंड तो होगा ही, क्वेश्चन दिया हुआ तो डिफाइंड तो होना ही है, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ 2 है, यहाँ नंबर ऑफ रोज 2 है। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/1, तो जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर होगा 2/1, जिसमें पहला होगा a11 और दूसरा क्या होगा a21, तो दो रो और एक कॉलम, तो पहला एलिमेंट होगा a11, दूसरा एलिमेंट होगा a21। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा बढ़िया से लिखा जाए, a11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो -2 × -1 2 और 0 × 2x 0, फिर a21 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो 3 × -1 - 3, 1 × 2x 2x, प्लस ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो 3 के साथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, तो 3 से दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो -6 3 इक्वल टू, इधर 2 से दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2y 6। ठीक है, 2 + 0 क्या मिलेगा 2, इधर -3 + 2x ही रहेगा, प्लस -6 3 राइट साइड 2y 6। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स का सम है तो ऐड कर लो, 2 + -6 - 4, -3 + 2x + 3, तो -3 + 3 0 2x बचा, और राइट साइड में 2y 6। ठीक है, अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, मतलब 2y = -4 और 2x = 6, तो 2y = -4 और 2x = 6, तो 2y - 4 है
तो वाई क्या होगा, माइनस फोर बाई टू मतलब माइनस टू, टू एक्स सिक्स है तो एक्स क्या होगा सिक्स बाई टू मतलब कि थ्री। तो फाइनल आंसर इज एक्स इक्वल टू थ्री वाई इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम में ए और बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए है टू वन वन थ्री और मैट्रिक्स बी है थ्री माइनस इलेवन। तो फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच डैट ए एक्स इक्वल टू बी। तो हमें एक अननोन मैट्रिक्स एक्स बताना है सच डैट ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ ध्यान दो ए का ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर है टू बाई टू, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है टू बाई टू या टू भी बोल सकते थे क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या है, तो टू बाई वन। और एक्स एक अननोन मैट्रिक्स है सच डैट ए एक्स इक्वल टू बी। अगर ए का ऑर्डर पता है और बी का ऑर्डर पता है और ये पता है कि ए एक्स इक्वल टू बी है, तो क्या हम एक्स का ऑर्डर बता सकते हैं। तुम सोच के बताओ कि एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखो ए एक्स डिफाइन होने के लिए ए का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू एक्स का नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो एक्स का नंबर ऑफ रोज कितना होना चाहिए, ए के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। तो ए का नंबर ऑफ कॉलम कितना है, ए का नंबर ऑफ कॉलम है टू। मतलब कि एक्स का नंबर ऑफ रोज पता हो गया कि नंबर ऑफ रोज ऑफ एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए एंड दिस इज ऑब्वियसली इक्वल टू टू। तो एक्स का नंबर ऑफ रोज निकल गया, इसके बाद एक्स का नंबर ऑफ कॉलम कैसे निकालेंगे। तो एक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू बी का नंबर ऑफ कॉलम। हम लोग को पता है कि अगर मान लो कि ए बी डिफाइंड है, ए बी डिफाइंड है तो ए बी का नंबर ऑफ रोज क्या होता है, ए के रोज के बराबर। और ए बी का नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, तो बी के कॉलम के बराबर। तो यहाँ ए एक्स इक्वल टू बी है तो बी में कितना कॉलम है, एक ही कॉलम है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, वन ही होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एक्स क्या होगा, वन होगा। अब हमें एक्स का रोज भी पता हो गया, कॉलम्स भी पता हो गया, इसका मतलब एक्स का ऑर्डर पता हो गया। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एक्स, तो ऑर्डर ऑफ एक्स क्या होगा, टू बाई वन। ऑर्डर ऑफ एक्स हो गया टू बाई वन। तो मान लो एक्स एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स है एक्स और वाई, क्योंकि इसका ऑर्डर टू बाई वन है, मतलब कि दो रो होगा और एक कॉलम होगा। तो दो रो और एक कॉलम, तो मान लो कि अननोन एलिमेंट्स आर एक्स और वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए एक्स इक्वल टू बी। ए क्या है, ए है टू वन वन थ्री, एक्स हम लोग क्या एज्यूम किए एक्स वाई, और बी क्या है थ्री माइनस इलेवन। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, टू बाई वन, क्योंकि इसके बराबर है तो टू बाई वन ही होना चाहिए। तो इसका जो ऑर्डर होना चाहिए, ये होना चाहिए टू बाई वन। टू बाई वन बोलने का मतलब ए वन वन ए टू वन। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ए वन वन मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई मतलब कि टू एक्स प्लस वाई। तो ए वन वन क्या मिला, टू एक्स प्लस वाई। फिर ए टू वन क्या होगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो वन इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू वाई, तो वन इंटू एक्स एक्स, थ्री इंटू वाई थ्री वाई इक्वल टू थ्री माइनस इलेवन। ठीक है, अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या लिखोगे, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री और एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू माइनस इलेवन। अब दो इक्वेशन दो अनोन, इसके बाद तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसको तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन टू को पहले टू से मल्टीप्लाई कर दो,
उससे क्या होगा, x बन जाएगा 2x, इधर भी 2x है, फिर माइनस कर दोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा 2x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। मान लो ये इक्वेशन 3 है। अब इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो तो 2x माइनस 2x कैंसिल, 5y, और माइनस 22 माइनस 3 माइनस 25, तो 5y अगर माइनस 25 है तो y क्या होगा, माइनस 25 अपॉन 5 मतलब कि माइनस 5, y आ गया माइनस 5। तो इक्वेशन 1 से x भी आ जाएगा, इक्वेशन 1 में y का वैल्यू डाल दो तो 2x प्लस वाई, वाई की जगह पे माइनस 5 इक्वल टू 3, तो 2x का वैल्यू क्या मिला, 3 प्लस 5 8, तो x क्या होगा 8 बाई 2 4, तो फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू माइनस 5। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन ही था, इसमें भी कुछ था नहीं, आराम से प्रोसीड करना था। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जिसका ऑर्डर है 2 बाई 2, ए इक्वल टू 3 माइनस 2 4 माइनस 2। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब 1 0 0 1, इसका ऑर्डर 2 है, और एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2, और दिया हुआ है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यहाँ 0 क्या है, 0 मैट्रिक्स, तो फाइंड के, ठीक है। तो के क्या वैल्यू बताना है, इसमें जो के है उसका वैल्यू बताना है। तो पहले समझो, अगर एफ एक्स पता है तो एफ ऑफ 1 बता सकते हो, एफ ऑफ 1 के लिए क्या करना है, एक्स की जगह पे हर जगह 1 पुट कर देना है। एफ ऑफ 2 भी बता सकते हो, 2 के लिए क्या कर देना है, हर जगह 2 पुट कर देना है। उसी तरह से एफ ऑफ ए बता सकते हो, तो एफ ऑफ ए में होना क्या चाहिए वो समझो। अगर हम एफ ऑफ ए को ऐसा लिख दें, ए स्क्वायर माइनस के प्लस 2, एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है वो समझो। ए एक मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स होगा, के इंटू ए भी मैट्रिक्स होगा, लेकिन 2 तो नंबर है, मैट्रिक्स और नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं, मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स ऐड होता है। तो यहाँ पे 2 गड़बड़ कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कांस्टेंट के साथ आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कांस्टेंट के साथ क्या करते हैं, आई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कि अगर एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2, तो एफ ऑफ ए होगा एक्स के जगह पे ए, और जहाँ पे कांस्टेंट है वहाँ पे आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि एफ ऑफ ए होगा ए स्क्वायर माइनस के प्लस 2i, इसको दिमाग में रखना है। उसी तरह से अगर मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3, और a एक मैट्रिक्स है, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, वो होगा 2a प्लस 3i, मतलब कांस्टेंट टर्म को i से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो एफ ए के लिए ए स्क्वायर की जरूरत पड़ रहा है, तो पहले ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर क्या होगा, a इंटू ए, ए क्या है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, फिर इसको a से ही मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस 2 4 माइनस 2। तो a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर भी 2 होगा, तो ऑर्डर 2 है तो उसका फॉर्म क्या होगा, a11 a12 a21 a22। अब a11 का मतलब क्या हुआ, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, तो 3 इंटू 3 9, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, 9 माइनस 8 1। a12 का मतलब क्या हुआ, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2। फिर a21, तो a21 मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो 4 इंटू 3 12, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 12 माइनस 8 4। फिर a22, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम, तो 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, तो माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4, ठीक है। तो ए स्क्वायर आ गया। अब
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ ऑफ ए जीरो है। एफ ऑफ ए क्या है? तो एफ ऑफ ए है ए स्क्वेयर माइनस के प्लस टू आई, वो जीरो मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर के यहाँ पर लिखो वन माइनस टू फोर माइनस फोर माइनस के इंटू ए, ए है थ्री माइनस टू फोर माइनस टू प्लस टू आई, तो टू इंटू आई के जगह पे क्या लिखेंगे वन जीरो जीरो वन इक्वल टू जीरो। तो इसको तो कुछ करना नहीं है, लिख दो फिर से वन माइनस टू फोर माइनस फोर, और इसको क्या करो के से मल्टीप्लाई करो, तो थ्री के माइनस टू के फोर के माइनस टू के प्लस यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दो टू जीरो जीरो टू इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में ये तीनों को एक साथ ही सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है एक ही साथ कर दे रहा हूँ, तो वन माइनस थ्री के प्लस टू, तो वन प्लस टू थ्री माइनस थ्री के थ्री माइनस थ्री के, फिर माइनस टू माइनस माइनस टू के मतलब प्लस टू के प्लस जीरो, तो माइनस टू प्लस टू के, फिर फोर माइनस फोर के प्लस जीरो, तो फोर माइनस फोर के, फिर माइनस फोर माइनस माइनस टू के प्लस टू, माइनस फोर प्लस टू माइनस टू और माइनस माइनस प्लस टू के इक्वल टू, राइट साइड में जीरो है तो इधर मैट्रिक्स है इधर जीरो है, कैसे हो सकता है? तो इधर मैट्रिक्स है तो इसका इधर जीरो नहीं है, वो क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो इस साइड में ऑर्डर क्या है? टू बाई टू। तो इस साइड में भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? टू बाई टू। तो इधर जीरो जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? टू बाई टू। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गया तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा? इक्वल होगा। लिख सकते हैं कि थ्री माइनस थ्री के इक्वल टू जीरो, माइनस टू प्लस टू के इक्वल टू जीरो, फोर माइनस फोर के इक्वल टू जीरो, माइनस टू प्लस टू के इक्वल टू जीरो। चारों जगह से के का एक ही वैल्यू आना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ से के का वैल्यू वन मिल गया, इधर के का वैल्यू कुछ डिफरेंट मिल गया, तब हम बोलेंगे कि के डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसा के एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए एफ ए इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो एफ ए इक्वल टू जीरो होने के लिए चारों जगह से के का वैल्यू एक ही आना चाहिए। अगर के का वैल्यू अलग जगह से अलग अलग आ गया या कोई भी के डिफरेंट आ गया, मतलब चार में से तीन जगह अगर के एक ही है लेकिन चौथा जगह के डिफरेंट हो गया, तो हम बोलेंगे कि के एग्जिस्ट नहीं करेगा, देर इज नॉट एनी के फॉर विच एफ ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखा जाए चारों जगह से के का वैल्यू क्या है। तो पहला इक्वेशन से थ्री माइनस थ्री के इक्वल टू जीरो, मतलब थ्री इक्वल टू थ्री के, तो थ्री इक्वल टू थ्री के, तो थ्री इक्वल टू थ्री के मतलब के इक्वल टू क्या होगा? थ्री बाई थ्री मतलब कि वन, तो पहला से मिला के इक्वल टू वन। दूसरा में क्या होगा? माइनस टू इधर ले जाओ तो टू के इक्वल टू टू, तो के इक्वल टू क्या होगा? वन। तीसरा में माइनस फोर के इधर ले जाओ तो फोर के इक्वल टू फोर, तो के इक्वल टू क्या मिलेगा? फोर बाई फोर मतलब कि वन। और यहाँ पे ये दोनों तो एक ही चीज़ है तो उसे भी क्या मिला? के इक्वल टू वन। तो चारों जगह से के इक्वल टू वन ही आ रहा है, तो इससे मेरा जो आंसर होगा, जो फाइनल आंसर होगा, वो के इक्वल टू क्या होगा? वन होगा। ठीक है, फिर से अगर मान लीजिए चार जगह में से कोई भी दो के अगर डिफर कर जाता है, तो हम लिखते हैं कि देर इज नॉट एनी के फॉर विच एफ ए इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो होपफुली समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एफ एक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, और एफ एक्स क्या है? तो एफ एक्स है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन। तो सो डैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तुम स्टैंडर्ड नाइन्थ में पॉलिनोमियल्स पढ़े हो,
मान लो कोई पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है और तुमसे पी वन मांग ले, तो हम लोग क्या करते थे, एक्स के जगह पे वन पुट कर देते थे। सिमिलरली अगर पी जीरो चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। उसी तरह से फंक्शन में भी होता है। मान लो कि एफ एक्स इज दिस, तो एफ वाई अगर बताना है तो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे वाई पुट कर लो। मतलब अगर एफ एक्स ऐसा है तो एफ वाई होगा कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। उसी तरह से अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाए, तो यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस वाई दिखेगा, नंबर्स वैसे रहेगा। मतलब कॉस एक्स बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स बन जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, बाकी सब वही रहेगा, जीरो जीरो ही रहेगा, जीरो जीरो ही रहेगा, जीरो ही रहेगा, जीरो ही रहेगा, और ये वन ही रहेगा। ठीक है, तो टारगेट समझ में आ चुका है कि हम लोग को प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इसके पहले एक और चीज़, तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री से जानते हो कि साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है, तो कॉस एक्स प्लस वाई होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ट्रिगो से तुम्हें पता है कि साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, एंड कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो हम इसका यूज करेंगे इस प्रॉब्लम में, तो प्रूफ किया जाए। एल एच एस में क्या दिया हुआ है, एल एच एस में है एफ एक्स इंटू एफ वाई, और एफ एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एफ एक्स हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन। अगर एफ एक्स पता है तो एफ वाई भी पता है। एफ वाई के लिए क्या करना है, जहाँ पे भी एक्स दिख रहा है वहाँ वाई डाल दो, तो कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। ठीक है, तो अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3 और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 3x3। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, इसका नंबर ऑफ रोज है 3। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो 3x3। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 3x3। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का फ्रेम तैयार कर दिए। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का फ्रेम होगा, फर्स्ट रो में A11, A12, A13, सेकेंड रो में A21, A22, A23, थर्ड रो में A31, A32, A33। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें A11 चाहिए, तो A11 कहाँ से मिलेगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट का सम। ठीक है, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस जीरो इंटू जीरो। ठीक है, तो A11 क्या मिला, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस जीरो इंटू जीरो जीरो, प्लस जीरो लिखो या मत लिखो। इसके बाद नेक्स्ट है A12 कैसे मिलेगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम का प्रोडक्ट का सम। तो कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस जीरो, तो मिल गया माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस जीरो। प्लस जीरो लिखो या मत लिखो। इसके बाद नेक्स्ट है A13 के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट का सम। तो कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो माइनस साइन एक्स इंटू जीरो जीरो,
जीरो इंटू वन जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या मिला जीरो, तो ए वन थ्री हो गया जीरो। ठीक है, तो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री हो गया। अब ए टू वन ए टू वन, तो ए टू वन कैसे मिलेगा, तो ए टू वन के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट का सम। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस जीरो। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस जीरो, लिखो या मत लिखो। ठीक है, ए टू वन हो गया। अब ए टू टू, ए टू टू के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम का प्रोडक्ट का सम। तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, जीरो इंटू जीरो जीरो। तो यहाँ क्या मिला, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस जीरो, वो लिखो या मत लिखो। फिर ए टू थ्री, ए टू थ्री, ए टू थ्री के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। ठीक है, तो साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, तो पूरा जीरो मिल गया। तो ए टू थ्री जीरो हो गया, तो सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थर्ड रो स्टार्ट करते हैं। थर्ड रो में पहला एलिमेंट है ए थ्री वन, ए थ्री वन के लिए क्या करेंगे, तो ए थ्री वन के लिए, ए थ्री वन के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट का सम। तो जीरो इंटू कॉस वाई जीरो, जीरो इंटू साइन वाई जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या मिला जीरो। फिर ए थ्री टू, ए थ्री टू के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम का प्रोडक्ट का सम। तो जीरो इंटू माइनस साइन वाई जीरो, जीरो इंटू कॉस वाई जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या मिला जीरो। फिर ए थ्री थ्री, ए थ्री थ्री के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट का सम। तो जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, तो जीरो प्लस जीरो प्लस वन क्या मिला वन। ठीक है, वैसे देखो तुम्हें प्रूफ क्या करना है, तुम्हें प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे तो एक्स प्लस वाई आना चाहिए, और जहाँ पे नंबर्स है वो वही रहना चाहिए। तो प्रूफ करना है तो पक्का यहाँ पे जीरो ही होना चाहिए, यहाँ जीरो ही होना चाहिए, यहाँ वन ही होना चाहिए, यहाँ जीरो ही होना चाहिए, यहाँ पे जीरो ही होना चाहिए। तो बिना कैलकुलेशन का हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एग्जाम में, समझ में। जहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब जहाँ पे एक से इंडिपेंडेंट टर्म है, वहाँ पे जो है उसको ऐसे ही रहने दो। मतलब ये सबको कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, डायरेक्ट लिख सकते थे। मतलब चीटिंग हो जाता और उससे ही चीटिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में दिमाग लगाया जा सकता है, उससे टाइम सेव होगा। ठीक है, तो प्रूफ डाइट वाले क्वेश्चन में इसके लिए और इसके लिए आँख मूंद के लिख देना है, मतलब कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन गलत होगा तो अलग बात है, लेकिन जनरली क्वेश्चन तो गलत होगा नहीं, प्रूफ डाइट बोला है तो क्वेश्चन सही देगा। तो आँख मूंद करके लिखोगे वही चीज़ आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो कॉस एक्स कॉस बी माइनस साइन एक्स साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। मतलब कि कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई क्या मिलेगा, कॉस एक्स प्लस वाई। फिर यहाँ देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस एक्स साइन बी साइन ए प्लस बी, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ मिल गया साइन एक्स प्लस वाई, ये तो जीरो ही रहेगा।
ठीक है। इसमें देखो अगर माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस अगर कॉमन निकाल लें तो क्या बचता है, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। और साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई, और माइनस कॉमन निकाल चुके हैं तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। सिमिलरली इसमें देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है, ये क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है, मतलब इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो कोई दिक्कत है नहीं, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो बात तो एक ही होता है। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ मिली है कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ तो जीरो ही होगा, उधर जीरो जीरो वन, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को और इस गिवन एक्सप्रेशन को मिलाओ, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस वाई दिख रहा है, जैसे यहाँ पे कॉस एक्स है तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई है, यहाँ माइनस साइन एक्स है तो यहाँ पे है माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ है साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ कॉस एक्स है तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई, और जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ वहाँ जीरो है और जहाँ वन है वहाँ वन है, मतलब ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से मिलता जुलता है, बस एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई है, मतलब एफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एंड दिस इज आवर आर एच एस, ठीक है। तो प्रूव हो गया, तो आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिगो का यूज था, हो जाता है।